जो मर रहा है उसको मरने दो, मुझे क्या है, कोई 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 बात नहीं है, आदमी जो मर रहा, तो आज जो 22 साल मरा जो यूपी में, क्या बेवकूफ है जो अपना जो जान दे दी है ये प्रोटेस्ट के लिए, ये एनआरसी के लिए, ये सीए के लिए, ये एनआरपी के लिए। आज जो दिल्ली में 50 आदमी 70 आदमी मरा, सरकार कितने बोली 50, बाकी इतने ज्यादा मरी है, तो दिल्ली वाले तो जाकर पूछिए, सबसे ज्यादा मरे हैं, हिंदू भी मरा है और मुसलमान भी मरा है। इसका कोई जात कोई धर्म नहीं होता आरएसएस वाले का, जैसे जितने जितने गांधी जी को मारा है नथु राम ने, वो क्या इंसान हो सकता है, उद्देश्य फंक्शन हो सकता है, जो गौर से जो सावरकर जो अंग्रेज का दलाल था वो क्या देश फंक्शन होता है, कोई राष्ट्र चक्र दिया जा रहा है संसद में उसका जिंदाबाद का नारा लग रहा है। बताइए जो हमारे गांधी को मारने वाला, जो अंग्रेज का पैसा खाने वाला, वो क्या इंसान हो सकता है, जो अपना देश का नहीं हुआ है तो वो हम लोग का क्या होगा। इसमें कौन मर रहा है, हिंदू भी मर रहा मुसलमान भी मर रहा, सबसे ज्यादा मौका का फायदा उठाने वाला ये राजनेता वाले लोग है। बिल्कुल सही बात है, ये राजनेता वाले वाले है, आपस में लड़ो, हिंदू मुसलमान बन के तुम राम बोल के मारो, हम अल्लाह अकबर बोल के मारेंगे, इसका कोई मजहब नहीं होता भाई, इनका टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है, बौद्धिक आतंकवादी सबसे आतंकवादी ये है आरएसएस वाले लोग, जैसे सीरिया में आईएसआईएस जो ये लोग जो टेररिस्ट है जो मासूमों का जान लिया है, आई आरएसएस वाले लोग ये मासूमों का जान ले रहे हैं। आज जो दिल्ली जो दंगा जो हुआ है जो यूपी में, ये आरएसएस वाले के हाथ है। सबसे बड़ा बात, हिंदू को भी बदनाम कर रहा है और मुसलमान को भी बदनाम कर रहा है, कोई मजहब नहीं सिखाता है आपस में किसी को मारो, कोई मजहब नहीं सिखाता है, बाकी ये राजनेता वाला लोग सिखाता है। क्या अमित शाह को मालूम नहीं था जो दंगा जो हो रहा था 3 दिन, पुलिस चाहे तो 1 घंटा में दंगा रोक देगी, 1 घंटा में, इतना पावरफुल है हम लोग का पुलिस, बाकी क्या करे, ये हुकूमत नामर्द बना दी है, ये नामर्द बना दिया पुलिसों को, तुम हमारे साथ दो, बेकसूरों को मारो, गरीब को मारो, आज कौन मार रहा है, किसान भी मर रहा है जवान भी मर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवाम कोई भी है और कोई भी रह जाएगी, जिंदगी भर नहीं जागेगी, यह मेरा गारंटी है। आज मैं बोलूंगा तो मुझे 10 आदमी गाली देगा, बस खामोशी तैयार करना बेहतर है, जो मर रहा है उसको मरने दो, मुझे क्या है, कोई बात नहीं है, आदमी जो मर रहा, तो आज जो 22 साल मरा जो यूपी में, क्या बेवकूफ थे जो अपना जो जान दे दी है ये प्रोटेस्ट के लिए, ये एनआरसी के लिए, ये सीए के लिए, ये एनआरपी के लिए। आज जो दिल्ली में 50 आदमी 70 आदमी मरा, सरकार कितने बोली 50, बाकी इससे ज्यादा मरी है, तो दिल्ली वाले से जाके पूछिए, सबसे ज्यादा मरे हैं, हिंदू भी मरा है और मुसलमान भी मरा है, इसका कोई जात कोई धर्म नहीं होता आरएसएस वाले का, जैसे जितने जितने गांधी जी को मारा है नथु राम ने, वो क्या इंसान हो सकता है, उद्देश्य फंक्शन हो सकता है, जो गौर से जो सावरकर जो अंग्रेज का दलाल था वो क्या देश फंक्शन होता है, कोई राष्ट्र चक्र दिया जा रहा है, संसद में उसका जिंदाबाद का नारा लग रहा है। बताइए जो हमारे गांधी को मारने वाला, जो अंग्रेज का पैसा खाने वाला, वो क्या इंसान हो सकता है, जो अपना देश का नहीं हुआ है तो वो हम लोग का क्या हो। सबसे बड़े बात, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में जब प्रधानमंत्री थे, वो 3 साल उनको बैंड कर दिया गया था, आरएसएस को 3 साल बैंड किया, क्यों नहीं किया, जानता था ये सबसे बड़ा हरामी कौन है, ना ये हिंदू में है, ये हिंदू मजहब में भी नहीं है, ये हिंदू को बदनाम कर रहा है, वह सनातन धर्म जिसे कहते हैं सच्चाई को साथ देने वाला, अमन में साथ देने वाला, वो मुसलमान अच्छा हो ही नहीं सकता जब एक दूसरे का साथ ना दे। मैं मुसलमानों को भी कहूंगा और हिंदू भाई को भी कहूंगा, क्या मेरे लिए एक समान सब है भाई, इस दुनिया में आया है सभी एक समान के लिए, इस देश में सभी का अधिकार है, हिंदू भाई का भी है मुसलमान भाई का है। आज हम लोग जंग आजादी में हमारे बाप दादा जो लड़े हैं 1947 में, हिंदू भी खून बहाया है मुसलमान खून बहाया है, ये आरएसएस वाला क्या बहाया, कुछ नहीं बहाया है, पसीना तक ही बहाया है, ये लोग बोलते हैं अंग्रेज का तलवा चाटने, ये अंग्रेज का तलवा चाटने वाले हैं, ये दल्ला है दलाल जिसे कहते हैं। आज नहीं जागेंगे भाई तो कल कभी नहीं जागेंगे, नहीं तो आज जिंदगी में क्या होगा, घुस के मुझे मारेगा, जय श्री राम बोल के मारेगा, मगर वही बात है, राम का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग,
सबसे ज्यादा ये आरएसएस वाले लोग, ये अंधे भक्त लोग सबसे ज्यादा राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्या राम क्या कह गए हैं? तुम लोगों को मारो बेकसूरों को, वो भी कह गए राम। जो राम का मानने वाले हो, एक भी किताब में हम मुझे दिखा दीजिए कि राम ने बोला है लोगों को मारो। आज ऊपर से राम भी देखते होंगे, वो भी घबराते होंगे, शर्मा जाते हैं। बोले आज देखो ये उम्मत को राम बोल के मार रहे हैं, जैसे सीरिया में अल्लाह अकबर बोल के मार रहे हैं। तो क्या वो ये मुसलमान हो सकते हैं? मुसलमान नहीं है तो टेररिस्ट। इस्लाम बोले टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है। वो मासूमों को मारा जा रहा, बच्चों को मार दिया जा रहा, कत्ल कर दिया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। वो इंसान कैसे कहला सकता है? वह इंसान कहलाने का काबिल नहीं है। वो हैवान, वो जानवरों से ही बदतर है। वो जानवर भी रहम करते हैं, बच्चों को मारेगा तो जानवर भी रहम करता है, मगर ये लोग मारने पर रहम नहीं करता है। मैं गुजारिश हूँ, आज भी जागने का, आज जागिए। हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, हर कौम से ये चाहते हैं अब जागने का टाइम है भाई। अमित शाह ने क्या कहा है? टी नहीं लगाया जाएगा, मगर उसका भरोसा नहीं रहा भाई। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा, सब उसी का इंसान है। आज संविधान को गलत कहने वाला ये लोग है। हमारा संविधान सबसे अच्छा है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा संविधान हम लोग का हिंदुस्तान का लिखा हुआ है। ऐसा छूट, ऐसा आज़ादी कहीं नहीं मिला, आपको जैसा हिंदुस्तान में जैसा कानून बना गया है। बाकी ये लोग कानून का धजिया उड़ा दे रहे हैं। ये आरएसएस के दल्ले लोग, ये अंग्रेज के कुत्ते लोग, जो आज सबसे बड़ा ये बात हम लोग का संविधान को उलट पुलट कर रहा है। ये लोग आज संविधान को नहीं बचाएंगे तो कल लट्टमोई वाला होगा, ये अंग्रेज को गुलामी करने पड़ेगा। कल अंग्रेज का गुलामी किए, कल चंद नेता गुंडा का किए, आज वही नेता का फिर हम लोग गुलामी कर रहे हैं। कब तक गुलामी करेंगे भाई? हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग वोट दे के चुनते हैं नेता को, क्या अच्छा नेता नहीं है? आज कांग्रेस में देखिए, एक इंसान बीजेपी में चली गई है, कितना साल तो वो कांग्रेस में थी, अब बोले क्या अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है भाई? यही अच्छा दिन है जो हमारे माँ बहन रास्ता में आ गई है। नोटबंदी में हमारे बूढ़े बूढ़े इंसान पूरा बैंक में लाइन लगा रहे हैं। आज जेटी हो गया, सबसे ज़्यादा नीचे हो गया, कारोबार बंद हो गया है, आज इंसान बेरोजगार हो गया है। आज 500 रुपया कमाना बहुत मुश्किल हो गया भाई, अभी का टाइम में 500 रुपया कमाना और मुश्किल हो गया। जो मजदूर भाई है उनको बोले 500 रुपया कमाना ये मुश्किल हो गया, ही नहीं हो गया? अभी महंगाई कितना है, कुछ खरीदने जाइए तो वो चीज नहीं मिलता है, तो अपना बीवी या बाल बच्चे का पेट कैसा पालेगा मेरा भाई? इंसान तो अकेला पेट भर लेता है, बाकी 10 का पेट मारना बहुत मुश्किल हो गया है अभी का टाइम में। बाकी चलाने वाला अल्लाह है, चलाने वाला वो रब है, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता है। आज इंसान लोग मजबूर हो चुका है। मैं चाहता हूँ आज जागिए, हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी, आज नहीं जागेंगे तो जिंदगी भर हम लोग सोए रह जाएंगे। बस यही मेरा गुजारिश है भाई, बार बार यही हफ्ता हर हफ्ता कहते हैं, लोग जागिए, जागने का टाइम है मेरे भाई। आज नहीं जागेंगे तो कल कभी नहीं जाग सकेंगे हम, ये तो जिंदगी भर गुमराह के रास्ते में रह जाएंगे।